हनुमान जी महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जैसे कि हनुमान जी कलयुग के अवतार ही हैं, कलयुग में हनुमान जी ही अमर है, जो कि आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आज इसी टॉपिक को लेके आज हम पहुंचे हैं गौरी शंकर मंदिर, जो कि इंदिरापुरम में स्थित है। और यहाँ हमें मिले हैं धीरज पांडे जी, जिनसे आज हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि संकट कैसे काटते हैं। यहाँ पे जो स्थित हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी, यहाँ पे स्थित हैं और यहाँ विराजमान हैं, जो कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आज हम इस टॉपिक पे धीरज जी से चर्चा करेंगे। धीरज जी जय श्री राम। जय श्री राम। धीरज जी, संकट काटते हमने सुना है कि मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं, और जो दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ स्थित हैं, ये सबकी संकट को दूर करते हैं और सबकी पीड़ाएं हरते हैं। और जैसे कि आज के दौर में संकट भी बहुत ज्यादा है। संकट के कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। मनुष्य के संकट है क्या? मनुष्य के संकट दूसरों से ईर्ष्या, ये प्रथम संकट है उसका, उसका अहंकार, उसका क्रोध और उसका विवेक। मनुष्य आजकल मनुष्य विवेक नहीं है, किससे कैसे बात करना है। मनुष्य की सोच अपने ही अहम में, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, मैं और मैं, वही मनुष्य का प्रथम संकट है। मैं को छोड़ करके यदि मनुष्य श्री भक्त श्री हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे, जिसे हनुमान जी मैं को छोड़ करके यदि चाहते तो विभीषण, हनुमान जी के द्वारा विभीषण देखो कितना, तुमरो मंत्र विभीषण माला लंकेश्वर सब जग जाना। लंका में सबको पता था कि हनुमान जी बहुत बड़े वीर है, बहुत हनुमान जी बड़े वीर है, परंतु अपने को पीछे करके रामचंद्र जी को आगे लाए। ऐसी मनुष्यता की ये पहचान है श्री बानर होकर के। हनुमान जी एक बानर होकर, और मनुष्य का क्या है, मनुष्य भी एक बानर जैसा है, चंचल मन। उस चंचल मन को हटा करके मनुष्य संकट से अपने आप को निवारण कर सकता है। अपने को चंचल ना दूर करके कैसे, हनुमान जी तो वैसे भी अमर है कलयुग में, कलयुग हर संकट को जल्दी दूर कर देते हैं। जल्दी मुझे लगता है कि हर किसी का यदि उनका एक मंत्र है ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ये मंत्र का यदि कोशिश किया रोज पांच बार जाप किया जाए, पांच बार मुख से ये बोल भी दिया जाए यथार्थ, 51 दिन तक में उसका संकट मनुष्य का दूर हो सकता है। और यदि कोशिश किया जाए हनुमान जी के मंगलवार व्रत करके भी हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने जीवन में हनुमान जी को क्या प्रिय है, ये भी मनुष्य को जैसे सोचता विचार करता है कि हनुमान जी को क्या प्रिय है। एक हनुमान जी का भक्त कैसा बनना है, हमें हनुमान जी के भक्त बनने के लिए आपको मनुष्य को थोड़ा लोभ नहीं होनी चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने अपने लोभ को त्यागा, चाहते तो लंका में सारे फल वल जितना खा होते सब उगाड़ सकते थे, सब खा सकते थे जितना, परंतु ना उन्हें माता जानकर से पूछा कि माता जी मैं ये क्या खा सकता हूँ, ऐसे मनुष्य को कैसा लोभ है। आजकल सब कुछ जितना चाहे उतना ही खरीद लिया जाता है, जितना चाहे है ना, जितना मनी पावर, जितना पैसा है उतना हम चाहे जितना जीना, ऐसा नहीं, ऐसा मनुष्य हमेशा संकट में रहता है। यदि आपका पैसा है तो किसके लिए है, समय की विविधता के लिए है, समय में जैसे कोई विविधता आ जाए आपके जीवन में उसके निवारण के लिए है। ऐसी संकट में यदि कोई घिरा होता है उसकी मदद किया जाता है, कुछ पाने के लिए हनुमान जी ने धैर्य। लंका में विजय चाहते विजय पाते तो एक साल के अंदर कर दे, 14 साल लगा, 14 साल पूरा 14 साल के लिए तो वो इतना नर्मदा होना आसान है। सबको संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। हनुमान जी का नाम सुनते ही मनुष्य अपने आप का अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है। मनुष्य का अंधकार क्या है, क्रोध लोभ और हानि। अपने जीवन में क्या हानि कर रहा है, वो विवेकता विवेक की हानि। आजकल मनुष्य कुछ भी बोल देता अपने मुख से क्या, भगवान का नाम लिया बोला जाए, दूसरे का नाम में जपा जाए तो उसके पास धन लक्ष्मी वैभव है। दूसरे का नाम जपने से मनुष्य की क्या कमजोर होती है, विवेक बुद्धि। भगवान का नाम जपने चाहिए, श्री हनुमान जी का नाम जपने चाहिए। यदि हो सके तो हनुमान जी का अपने घर में हर मंगलवार सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का यथार्थ उसका कीर्तन करना चाहिए, जिससे मनुष्य की अत्यंत बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ सकता है।